ड्रामेबाज सरकार है कि इंडिया अगर गुलामी का प्रतीक है तो 9 साल से सारे आपके प्रोग्राम इंडिया के नाम से क्यों चले थे। जिस संविधान की शपथ ले करके सत्ता में बैठे हैं, राजसी को बदलने की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। वो अपनी सेटिंग करवाते हैं, इतने तो नई बहू भी कपड़े नहीं बदलती, इतने 6 बार कपड़े बदलते हैं, ये बेशरम लोग। कंगना रावत को मिली होगी या इसको स्मृति ईरानी को मिली होगी, हमें तो संविधान वाली आज़ादी चाहिए। भारत तो है ना, ऑलरेडी संविधान में है ना, इंडिया दैट इज भारत। खुद अंग्रेजी नहीं आती तो क्या अंग्रेजी बोलना लोग बंद कर देंगे, अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देंगे? खुद अनपढ़ हैं तो देश को, सारे देश को अनपढ़ बनाना चाहेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर का बदलाव करने की जो बात करते हैं वो देशद्रोह है। ये भारत जलाओ पार्टी है, RSS के बगैर इस देश के अंदर ना दंगा हो सकता ना कहीं आग लग सकती। उनके पास सेल हैं अलग अलग, 24 मिल को कार्ड फेंकी है, नहीं तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। जो पट्टाधारी हमारे बैठे हैं रिजर्व सीट के पार्लियामेंट में, इनको एक को भी ना जिताएं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद है बी सिंह, इनसे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आवाज उठ रही है इंडिया बदल कर सिर्फ भारत कर देने का देश का नाम, आप क्या सोचते हैं, इंडिया हटाकर सिर्फ भारत कर देना चाहिए? संविधान के आर्टिकल में एक ही चीज लिखी है, इंडिया दैट इज भारत। ये ड्रामेबाज सरकार है, महंगाई से, बेरोजगारी से, मणिपुर से, मेवात से, जो देश में भुखमरी है, अत्याचार हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये रोजाना नए नए एजेंडे पेश करते हैं। कह रहे इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, इसलिए हटा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इंडिया अगर गुलामी का प्रतीक है तो 9 साल से सारे आपके प्रोग्राम इंडिया के नाम से क्यों चले थे? और लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, आपने 9 बार झंडा फहरा लिया, अपना बना लो अलग से, ये बेशरम लोग। उनको गुलामी से, अंग्रेजों से दिक्कत है, लाल किला से थोड़ी दिक्कत है। अंग्रेजों से, अंग्रेज तो बहुत कुछ देख रहे हैं, 8-9 साल से तो अंग्रेजी वाली पार्लियामेंट में बैठे थे। ये अब नया पार्लियामेंट बना लिया, सिंगोल भी रख दिया, राजदंड भी रख दिया, आपका लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आपको पता है? गुलामी से आजादी मिली ना, वो कंगना रावत को मिली होगी या इसको स्मृति ईरानी को मिली होगी, हमें तो संविधान वाली आज़ादी चाहिए। अभी तो संविधान लागू ही नहीं हुआ है। विवेक ओबराय ने स्टेटमेंट दिया कब, 15 अगस्त को, कि संविधान काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको बदलना चाहिए। मैं कहता हूँ आपके सारे ग्रंथ बहुत पुराने हो चुके हैं, आपके वेद, रामायण, महाभारत, समर्थियाँ, पुराण, जिनमें सारा का सारा गंध भरा है, शूद्रों के खिलाफ लिखे हैं, उनको बदल लो ना। संविधान में बदलाव होते रहते हैं, वेदों में बदलाव देखा आपने? आर्टिकल 368 ये अलाउ करता है कि पार्लियामेंट में डिस्कस करके अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का बदलाव करने की जो बात करते हैं वो देशद्रोह है। इसके खिलाफ हमारी भीम आर्मी की टीम DCP नई दिल्ली को कंप्लेंट देकर आई है कि इसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। वो देशद्रोह कहाँ कर रहे हैं, वो गुलामी से आज़ाद दिला रहे हैं। इंडिया जो है अंग्रेजों ने नाम दिया था, गुलामी का प्रतीक है, इसलिए वो बदल रहे हैं। ये सिर्फ बता तो दिया मैंने आपको, पत्रकार महोदय, ध्यान भटकाने का एक एजेंडा है उनका, और पीछे जाओ आप, किससे ध्यान भटकाएंगे? महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, भुखमरी से, चाइना घुस गया, अभी एक हफ्ता पहले पूरा नक्शा आया है अखबार के अंदर, वो लाल लाल आंखें कहाँ गई, लाल लाल आंखें कहाँ गई, उस तरफ तो लाल नजर भी नहीं आती, ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट कब्जा है, ना कोई घुसा था, तो 22 जवान हमारे कैसे शहीद हो गए थे, 76 को वो उठा के ले गए थे, कई दिन बाद छोड़ा उनको, क्लीन चिट दे दी चाइना को, क्योंकि चाइना का दोस्ती है ना, शी पिंग की और जो ना मोदी जी की दोस्ती है, उनके खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं है। ये भारत जलाओ पार्टी है, कहाँ से बताऊँ, गोदराज लाया, हिंदुओं का गुस्सा शांत होने दो, ट्रेन खुद जलवाई, खुद आग लगवाई,
उसके बाद मणिपुर पूरा जल रहा है, आज भी 5 जिलों में कर्फ्यू है अखबार के मुताबिक। मणिपुर को मोदी ने जलवाया। आरएसएस के बगैर इस देश के अंदर ना दंगा हो सकता, ना कहीं आग लग सकती। उनके पास सेल हैं अलग अलग, उनके पास मुस्लिम सेल हैं, पेड वर्कर हैं। आपके पास इसका प्रूफ है कि आरएसएस ही दंगा कराती है? एक प्रूफ है, जिसने सारी उम्र अपनी आरएसएस में लगाई, उसका नाम है भंवर मेघवंशी। उसकी किताब है कि मैं भी कार सेवक था, बाबरी मस्जिद तोड़ने में वो शामिल था। उस किताब को पढ़ लीजिए, अम्बेडकर नामा पे मैंने वो किताब पूरी सुनी है। उसका पूरा इतिहास आरएसएस का आपके सामने आ जाएगा। आरएसएस का गठन बलिराम हेडगवार ने 1925 में किया था, और इन लोगों ने संविधान में कभी इनका विश्वास नहीं रहा। टू नेशन थ्योरी का आइडिया भी सावर करने दिया था जिन्ना को। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने नाखून तक कटाया नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में। आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले बन गए, और जो है ना, जिस संविधान की शपथ ले करके सत्ता में बैठे हैं, राज उसी को बदलने की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मोदी राष्ट्रभक्त है कि नहीं? मोदी तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। क्या काम किया राष्ट्र के लिए बताएं, एक काम बताएं। बिना जागे बिना सोए दिन रात काम करते हैं, वो अपनी सेटिंग करवाते हैं। इतने तो नई बहू भी कपड़े नहीं बदलती, इतने 6 बार कपड़े बदलते हैं। देखिए प्रूफ देखिए, देश का सबसे बड़ा कर्मयोगी। ये सारे प्रचार तंत्र पे कब्जा किया है। अगर ये अपने प्रचार तंत्र का पैसा बचा करके भी गरीबों का मैं इस पैसे को लगा देते तो बहुत भला हो जाता। सारा नई दिल्ली में जहाँ देखो वही मोदी, जहाँ देखो वही मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी में मोदी, अखबार में मोदी, 3-3, 4-4 पेज रोज भरे रहते हैं। ऐसा क्या किया है? एक काम आप बताओ ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उसी के बारे में। ऐसे ही 9 साल बेमिसाल ऐसे ही गिना रहे हैं वो। कौन? ईवीएम की सरकार है। ईवीएम का हटवा के 24 में चुनाव करा दो, अगर 100 सीटें ले आए तो मेरी गर्दन काट लेना। मैं तो ये अरे वो 400 के पार ले आएंगे। 400 वो तो सीट भी बढ़ाएंगे, नया संविधान वो बनाया ना पार्लियामेंट ने, उसमें सीटें भी बढ़ाएंगे। अभी तो 543 होता है, तब हो सकता है सीटें बढ़ाएंगे राज्यसभा की, लोकसभा की। अभी 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये कोई ना कोई नया प्रयोग होगा। महिलाओं के लिए बात करेंगे, महिलाओं के आरक्षण की बात। आप ये पार्लियामेंट यहाँ से नहीं चलती, नागपुर से चलती है। 5 दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि इंडिया हटा देना चाहिए, उसी पर चर्चा हो रही है, हटवा भी दिया। कहा है कि अब भारत कहने की आदत डाल लो। हाँ भारत तो है ना, ऑलरेडी संविधान में है ना, इंडिया दैट इज भारत, दोनों है, दोनों का बराबर सम्मान है। खुद अंग्रेजी नहीं आती तो क्या अंग्रेजी बोलना लोग बंद कर देंगे, अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देंगे? खुद अनपढ़ हैं तो देश को, सारे देश को अनपढ़ बनाना चाहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है, और 24 में इनको कार्ड फेंकिए, नहीं तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। आपके सारे मौलिक अधिकार जो आज ये माइक लेकर आप घूम रहे हैं ना, आप घूम नहीं पाएंगे। इसलिए सभी देश की 90% जनता से मेरी गुजारिश है, और ख़ासकर 131 जो पट्टाधारी हमारे बैठे हैं रिजर्व सीट के पार्लियामेंट में, इनको एक को भी ना जिताएं। और अब देख लो, पट्टाधारी का क्या मतलब? गुलामी का प्रतीक है, अब उनकी हिम्मत नहीं है जो संविधान की रिजर्व सीट से जीत के गए हैं। पट्टाधारी किसको बोला आपने, क्या मतलब है? वो पट्टा बंद रहा है में पार्टियों का, इसलिए वो चुप है, क्योंकि पार्टी फिर पट्टा खींच लेगी तो उनकी गर्दन जो ना टाइट हो जाएगी, मर जाएंगे, इसलिए पट्टा बंद रहा उनके संबंध में, वो बोल ही नहीं सकते। और ये देखो ना दुर्भाग्य, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति किस कमेटी के वो बनाए हैं अध्यक्ष? वन इलेक्शन वन नेशन। अरे वन इलेक्शन की बजाय वन नेशन वन एजुकेशन करिए आप, 12वीं तक सबकी शिक्षा इक्वल करिए, और SC ST का ये भेद खत्म हो जाएगा। फ्री शिक्षा कर दीजिए, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, एक सिलेबस हो,
और बेसिक रिजर्वेशन को आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन शिक्षा तो एक बार बराबर कर दो, आ जाएगा कंपटीशन में। फिर ये जो ना नकली कुंजी वाली जो सविता राय प्रिंसिपल नहीं बनेगी, फिर डॉक्टर जीतू जैसे पढ़े लिखे लोग अंदर जाएंगे। तो जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन के पहले मोदी जी को या पूरी सरकार को जो है पहले ये सोचना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन कास्ट होना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।